अगली खबर आ रही है पन्ना से, जहां पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मंगलवार के दिन अजयगढ़ बस स्टैंड में पुलिस कस्टडी से 302 सहित अन्य मामलों में सजा काट रहा कुख्यात कैदी केसर बहेलिया फरार हो गया। इसके बाद अब पन्ना जिले की पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुट गई है। जगह जगह पुलिस सर्चिंग लगाई गई है। जानकारी के अनुसार पन्ना जिला जेल में बंद आर्म्स एक्ट का कैदी केसर बहेलिया मंगलवार के दिन अजयगढ़ बस स्टैंड से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कैदी को कुछ समय पहले अजयगढ़ पुलिस ने आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे पन्ना जिला उप जेल भेज दिया गया था। मंगलवार के दिन कैदी की पेशी अजयगढ़ न्यायालय में थी, जिसे पुलिस लाइन के पुलिस कर्मचारियों ने पेशी के लिए यात्री वाहन से लेकर पन्ना अजयगढ़ न्यायालय ले जाया गया। पेशी के बाद अजयगढ़ बस स्टैंड से कैदी केसर बहेलिया पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया। अब पन्ना पुलिस कैदी की तलाश के लिए जगह जगह सर्चिंग कर रही है। कुख्यात आरोपी केसर बहेलिया 302 का भी आरोपी है, जिसका मामला महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दर्ज है। केसर कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसे अजयगढ़ पुलिस ने आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया था। मामले में पन्ना पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने बताया कि पुलिस का स्टाफ कैदी की पेशी करवा कर अजयगढ़ न्यायालय से वापस आ रहे थे, तभी बस स्टैंड से कैदी फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए अजयगढ़ पन्ना ब्रिजपुर धर्मपुर थाना पुलिस को सर्चिंग के लिए लगाया गया है। जिले की सीमाओं में वाहनों की सर्चिंग भी करवाई जा रही है। जल्द ही फरार कैदी को पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जेल की एक गाड़ी पवई और एक पन्ना न्यायालय कैदियों की पेशी के लिए गए थे। ये वारंट के तहत इस कैदी को अजयगढ़ ले जाया गया था। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।